नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. तो एक शॉर्टकट है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होगा? सी डिवाइडेड बाय म्यू. बुक सीधा यूज करती है. क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो जो भी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, उस मीडियम की स्पीड आ जाएगी. एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. एक चीज याद रखना कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ये कभी चेंज नहीं होती. अगर आप जितने मर्जी मीडियम चेंज कर लो, स्पीड ऑफ जो लाइट है कभी वाटर में जा रही है, कभी ग्लास में जा रही है, कभी वैक्यूम में जा रही है, एक चीज़ कभी चेंज नहीं होती, और वो क्या है? फ्रीक्वेंसी. क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है किसने लाइट को पैदा किया, सोर्स. और सोर्स मीडियम से लेना देना है नहीं, सोर्स हम चेंज कर नहीं रहे, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम. तो ये क्वेश्चन आता है कौन सा फैक्टर कभी चेंज नहीं होता, जब मीडियम चेंज करती है लाइट, आपने क्या आंसर देना है? फ्रीक्वेंसी. अब दूसरी चीज, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा. लैम्डा नॉट कर लेते हैं, नॉट का मतलब वैक्यूम, और वी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा मीडियम. सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. क्लियर है? फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कैंसल. लैम्डा एम की वैल्यू क्या आ गई? लैम्डा नॉट बाय म्यू. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत यूज होगा. नोट कर लें प्लीज, फॉर्मूला रजिस्टर में नोट कर लें ये वाले फॉर्मूला, कि अगर किसी भी मीडियम के अंदर आपको लैम्डा निकालना है तो वैक्यूम के लैम्डा को उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, उस मीडियम में लाइट का लैम्डा आ जाएगा. ये फॉर्मूला नोट कर लें.